नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संविधान के इतिहास से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो का यहाँ पर पहला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कोलकाता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन था? कौन था दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, एलिजा इफे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। दोस्तों, कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के एक्ट के द्वारा हुई थी। ठीक है, 1773 एक्ट के द्वारा यहाँ स्थापना की गई थी सुप्रीम कोर्ट की या सर्वोच्च न्यायालय की। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, वॉरेन हेस्टिंग थे जो कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण कब स्थापित किया गया? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1773 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर 1919 के भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम क्या था? 1919 में भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम किया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार था इसका दूसरा नाम। ठीक है, किसका दूसरा नाम था? 1919 के भारत शासन अधिनियम का दूसरा नाम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकार को एक शक्तिशाली बनाया गया था, शक्तिशाली सरकार बनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 1919 के भारत शासन अधिनियम ने प्रतिनिधि शासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया था। ठीक है, प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम के प्रतिनिधि शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया था। द्वैत शासन किस स्तर पर लागू किया गया था? इस समय द्वैत शासन था, वह किस स्तर पर लागू किया गया था? दोस्तों, 1919 में प्रांतीय स्तर पर लागू किया गया था। द्वैत शासन जो लागू किया गया था, वह प्रांतीय स्तर पर किया गया था। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय स्तर की, तो केंद्रीय स्तर पर लागू किया गया था 1935 में। ठीक है, 1935 में किया गया था केंद्र स्तर पर लागू, और 1919 में किया गया था प्रांतीय स्तर पर लागू। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर गवर्नर जनरल का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो दोस्तों, गवर्नर जनरल का कार्यकाल यहाँ 5 वर्ष का होता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कितने? 5 वर्ष का होता था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, यहाँ पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, यानी कि 1925 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था? निम्न में से कौन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था? तो दोस्तों, इसमें दिल्ली को छोड़कर बाकी सभी जो क्षेत्र हैं, जैसे कुर्ग, अजमेर, ब्रिटिश बलूचिस्तान, यह तीनों क्षेत्र हैं जो कि कश्मीर कमिश्नरी क्षेत्र थे। ठीक है, तीनों दिल्ली को छोड़कर। इसके बाद अगला प्रश्न है, यहाँ पर
किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने बाद धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई थी? तो दोस्तों यह दी गई थी ऑप्शन नंबर बी, चार्टर्स एक्ट 1813 के अंतर्गत इनको यह परमिशन दी गई थी। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत स्त्रियों को मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ, मताधिकार प्राप्त हुआ था? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका, बी इसका सही आंसर है, 1853 के अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को मताधिकार का प्राप्त हुआ, यानी कि वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ 1853 का अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, 1935 अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? 1935 अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा? दोस्तों यह कहा ऑप्शन नंबर ए एटली ने। ठीक है, एटली ने कहा था 1935 अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक कहा था एटली ने। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस एक्ट के तहत पहली बार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटेन ब्रिटेन अधिपत क्षेत्र कहा गया, यानी कि ब्रिटेन शासन अधीन क्षेत्र कहा गया? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रिंस इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत क्षेत्र कहा गया। कब कहा गया? प्रिंस इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस एक्ट के द्वारा शासन कंपनी से लेकर ब्रिटेन क्राउन के हाथों सौंपा गया? किस एक्ट के द्वारा शासन कंपनी से लेकर ब्रिटेन क्राउन को सौंपा गया था? तो दोस्तों यह 1858 का चार्टर एक्ट आया था, जिसके अंतर्गत कंपनी से अधिकार छीनकर यहाँ पर ब्रिटिश सरकार को इसका, भारत देश का अधिकार सौंपा गया है। ठीक है, यानी कि पूरे भारत पर अब ब्रिटेन का अधिकार हो गया था 1858 के चार्टर एक्ट लागू होने से। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया था, यानी कि यहाँ पर प्रतिनिधित्व दिया गया था मुसलमानों के लिए अलग से। दोस्तों यह कब दिया गया था? यह दिया गया था 1909 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 1909 का भारत शासन अधिनियम एक पारित हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि मुस्लिम अब अलग से अपना चुनाव प्रचार या फिर अपनी पार्टी बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र की में द्वंद्व शासन की स्थापना की गई? केंद्र में द्वंद्व शासन की स्थापना की गई थी दोस्तों, यह की गई थी 1935 के अधिनियम के द्वारा अंतर्गत की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 1935 के अंतर्गत की गई थी केंद्र में द्वंद्व शासन की स्थापना। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पर, किसने कहा कि कृष्ण प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में बनाया जाने वाला चेक है? ठीक है, किसने कहा था कि कृष्ण प्रस्ताव दिवालिया बैंक के नाम भविष्य की तिथि में बनाया जाने वाला चेक है? दोस्तों यह जो वाक्य है यह महात्मा गांधी का वाक्य है, यानी कि महात्मा गांधी जी ने इस वाक्य को बोला था जब कृष्ण प्रस्ताव भारत आया था। तो ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लागू हुआ था? तो दोस्तों यह 1931 में लागू हुआ था। देखो दोस्तों यह जो अधिनियम है यह 1919 में इसका प्रस्ताव आया था, लेकिन 1921 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, 1919 में आया था और 1921 में लागू किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, यह वीडियो अब यहीं पर होता है समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।